और आज हम अपने वीडियो लेक्चर में ना मैथ ना रीजनिंग किसी चीज की बात नहीं करेंगे, मगर ये वन डे एग्जामों की डिमांड है, पीसीएस एग्जामों की डिमांड नहीं है। ठीक है, पीसीएस एग्जाम पीसीएस में ये चीज पढ़ के मत जाना, क्योंकि ये चीजें हैं जिनको आपको सही कितना कष्ट देगा जब आप इसको याद करोगे। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। और आज हम अपने वीडियो लेक्चर में ना मैथ ना रीजनिंग किसी चीज की बात नहीं करेंगे, मगर सबसे इंपॉर्टेंट और टेक्निकल टॉपिक की बात करेंगे, जो है जनरल करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक को हम पढ़ेंगे। क्यों करंट अफेयर से टॉपिक को पढ़ेंगे? क्योंकि करंट अफेयर में तो बहुत कुछ है मेरे यार करंट अफेयर, मगर एक्चुअल में हमें क्या चीज रखनी चाहिए, क्या चीज नहीं रखनी चाहिए, किस एग्जाम के लिए क्या करंट अफेयर नेसेसरी होता है, उस हिसाब से पढ़ना चाहिए। अगर आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं और वहां का करंट अफेयर को आप जोड़ लेंगे एनटीपीसी के एग्जाम से, एसएससी के एग्जाम से, यूपी के स्टेट के एग्जाम से, अदर एग्जाम से, तो अगर एक जगह एक पैटर्न को आप फॉलो करेंगे तो आप सच बता रहे करंट अफेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर एग्जाम का एक अलग डिमांड होता है, और उस डिमांड के अनुसार आपको खरा उतरना पड़ता है, तो आज हम जो बात करेंगे करंट अफेयर में एक ऐसे टॉपिक की जो कि एनटीपीसी वन डे एग्जाम के अंदर जरूर पूछेगा ही पूछेगा, और वो है करंट अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट क्या है ये, मतलब स्पोर्ट्स की सारी जानकारी हमको होनी चाहिए कि जो हमारे आने वाले फ्यूचर में कौन कौन से इवेंट्स किस किस कैटेगरी में कब होंगे, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। अगर इसकी जानकारी हमारे पास नहीं होगी और एक से दो क्वेश्चन पूछा तो मेरे यार आप हिल जाओगे, सूंघ नहीं पाओगे। ये इतनी बड़ी टॉपिक है करंट अफेयर की, एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, स्पोर्ट्स से, साइंस टेक्नोलॉजी से, एनवायरमेंट से, और वर्ल्ड से, इंटरनेशनल नेशनल से, सबका अलग वेरिएंट है। जैसे दवाई होती है ना, दवाई, उस दवाई को क्या करते हैं, एक खांसी की दवा है, उस दवाई का असर अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों पे होता है। ठीक है, छोटा बच्चा है तो उसको छोटा सा ढक्कन से थोड़ा सा नाप के देंगे, थोड़ा सा बड़ा है तो 5 ml, और बड़ा है तो 5 ml से ज्यादा, बहुत ज्यादा बड़ा है तो उसको 10 ml पूरा ढक्कन भर के। तो ऐसे ही चीजें हैं जिनको हमें समझनी होगी। तो आइए हम देखते हैं क्रिकेट से रिलेटेड अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट। अपकमिंग मतलब आने वाले समय में क्रिकेट फील्ड में कौन कौन से कब एक तरीके से कंपटीशन होंगे, स्पोर्ट्स होंगे, उसका आपको याद करना है, पूरी तरीके से याद करके माज के जाना है। ठीक है, क्वेश्चन आए तो हम कर ले जाएं, एनटीपीसी अपने घर आए। तो आइए देखते हैं अभी गत कौन सा आईसीसी का करंट इवेंट पास किया है, टी ट्वेंटी ना, तो T20 से चीजों को याद रखिएगा कि अभी जो 2024 में T20 हुआ था वो कहां हुआ था, वो अमेरिका में हुआ था और वेस्ट इंडीज में हुआ था। 2024 का T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, 2024 का T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां आयोजित किया गया था, तो आयोजित किया गया था आपके अमेरिका में और कहां हुआ था वेस्ट इंडीज में हुआ था। इंडिया पाकिस्तान का मैच किस फील्ड में हुआ था, इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको पता करना, आप खुद कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि इंडिया पाकिस्तान का मैच अमेरिका के किस स्टेट में, उस स्टेडियम का क्या नाम था। ठीक है, उस स्टेडियम को बनाने में कितना खर्चा आया था, ठीक है, कितना साल का वो स्टेडियम का है, वो स्टेडियम बने कितना साल हो गया है, उसके बारे में मैं बताऊंगा, आप सुन लोगे, रिसर्च करो इंडिया पाकिस्तान का मैच कहां पे हुआ था, अमेरिका में हुआ था कि वेस्ट इंडीज में हुआ था। ठीक है, इसी तरह 2024 तो हो गया, ये रही पुरानी बातें जिसको मैंने जल्दी 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 कवर किया। ठीक है, और अब आते हैं आईसीसी में T20 वर्ल्ड कप 2026 आईसीसी मैन टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप 2028
ये कहां पे होने वाले हैं, यहां पे मैंने लिखा है प्लेसेस, यहां पे लिखा है प्लेसेस, यहां पे ईयर, ये है इवेंट का नाम, ठीक है। इसको चार्ट की तरह मैंने बनाया है क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ईयर पूछ सकता है आपसे, प्लेसेस पूछ सकता है। देखो एक चीज मैं कहना चाहता हूं, मेरे बोर्ड पे एक लाइट फ्लैश कर रही है, ईयर और प्लेसेस के बीच में यहाँ पे कुछ हो रहा होगा तो उससे ना आप जाइएगा। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा भी नहीं है, यहाँ पे मैंने लिखा है ईयर्स, और यहाँ पे मैं जो लिखूंगा कि इवेंट किस जगह पे आयोजित किया जाएगा, ये इवेंट किस जगह पे आयोजित किया जाएगा, तो आईसीसी मैन T20 वर्ल्ड कप 2026 ये आपका होगा इंडिया और बांग्लादेश में। आईसीसी मैन T20 वर्ल्ड कप 2026 होगा इंडिया एंड बांग्लादेश, याद रखिएगा इस इवेंट को, आईसीसी मैन T20 वर्ल्ड कप 2026 इंडिया और बांग्लादेश में खेला जाएगा। आईसीसी मैन T20 वर्ल्ड कप 2028, T20 वर्ल्ड कप 2028 कहां होगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में T20 मैन 2028 कहां खेला जाएगा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। आईसीसी मैन T20 वर्ल्ड कप 2026 कहां खेला जाएगा, इंडिया और बांग्लादेश। आईसीसी मैन T20 वर्ल्ड कप 2026 कहां खेला जाएगा, इंडिया और बांग्लादेश। आईसीसी मैन T20 वर्ल्ड कप 2028 कहां खेला जाएगा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। यही याद करा देंगे, यही याद हो जाएगा, ये करंट अफेयर, इससे एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और क्वेश्चन आएगा जरूर, क्रिकेट से आए, फुटबॉल से आए, ओलंपिक से आए, बैडमिंटन से आए, आएगा जरूर, पक्का आएगा, वो बार बार बोलेंगे और याद होगा। आईसीसी मैन T20 वर्ल्ड कप 2030 कहां होगा, आईसीसी मैन T20 वर्ल्ड कप 2030 कहां होगा, इंग्लैंड में होगा, आयरलैंड में होगा, स्कॉटलैंड में होगा। फिर से सुनो, आईसीसी मैन T20 वर्ल्ड कप 2030 कहां होगा, इंग्लैंड में होगा, आयरलैंड में होगा, स्कॉटलैंड में होगा। मैं लिखता हूं इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड। ठीक है, स्पेलिंग समझ में आ रही है कि नहीं, मैं एक बार स्क्रीन के पीछे आता हूं, इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड। ठीक है, इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड। आईसीसी मैन T20 वर्ल्ड कप 2026 इंडिया बांग्लादेश। आईसीसी मैन T20 वर्ल्ड कप 2028 ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। आईसीसी मैन T20 वर्ल्ड कप 2030 इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड। अब देखो T20 तो हो गया, पिछले साल कौन सा आईसीसी इवेंट हुआ था, T20 से पहले ODI हुआ था, वर्ल्ड कप हुआ था, कहां पे हुआ था, इंडिया में हुआ था। फाइनल किसके किसके बीच हुआ था, इंडिया और पता करो फाइनल इंडिया किसके साथ खेला था। ठीक है, कितने रन से इंडिया हार गया था, कितने विकेट से इंडिया हार गया था। ठीक है, इस पे मत जाना, इतने रन से हार गया, इतने विकेट से हार गया। ठीक है, इस पे ना जाना। देखो पूछता कैसे है, T20 वर्ल्ड कप हमने जीता है, T20 वर्ल्ड कप हमने जीता है, किसने कितना रन मारा, विराट कोहली ने कितना योगदान दिया, तो पॉजिटिव चीजें पूछता है ना कि निगेटिव चीजें। ठीक है, कि इंडिया कितने रन से हार गया, ये नहीं कभी पूछे, मगर विराट कोहली ने T20 को जिताने में कितना रन बनाया ये जरूर पूछ सकता है। इसको पता करो कि T20 फाइनल में विराट कोहली ने कितना रन बनाया, इसको रेड मार्क करके रखो, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है करंट अफेयर का, और ये वन डे एग्जामों की डिमांड है, पीसीएस एग्जामों की डिमांड नहीं है। ठीक है, पीसीएस में ये चीज पढ़ के मत जाना, क्योंकि ये चीज नहीं पूछेगा, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, उसका करंट अफेयर अलग है, इनका करंट अफेयर अलग है। ठीक है, मैन आईसीसी मैन ओडीआई वर्ल्ड कप जो अब होगा वो 2027 में होगा, और ये 2027 वाला होगा साउथ अफ्रीका में, SOUTHAFRICA अफ्रीका में होगा, साउथ अफ्रीका में होगा, जिम्बाब्वे में होगा और नामीबिया। ठीक है, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया। 2027 वाला वर्ल्ड कप हम जीतेंगे, T20 वर्ल्ड कप, रोहित शर्मा हमारे कैप्टन होंगे, और इस फाइनल को हम लोग तोड़ फोड़ देंगे। ठीक है, वो तो थोड़ा गलती हो गया यार, थोड़ा सा
टॉस ऑस का गलती हुआ, नहीं तो फाइनल तो अपना था, पूरा फाइनल अपना था। वो थोड़ा सा समय और होता है किस्मत कभी कभी हमारी साथ नहीं देती है, ठीक है। हम अच्छा कर रहे होते हैं, सब कुछ सही चल रहा होता है, मगर जो किस्मत होती है वही पलट जाती है, वही चीज पलटती है। मगर हमें जीतना लिखा था T20 वर्ल्ड कप, हमने T20 वर्ल्ड कप जीता। ODI तो अभी हम जीते ही थे यार 2011 में, T20 जीते बहुत दिन हो गया था, मगर देखिए रोहित शर्मा की कप्तानी में हमारे पास T20 भी आ गया। और T20 आया तो ODI आएगा, 2-3 साल वेट कीजिए, अभी अपना ही ट्रॉफी है, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। ICC में ODI वर्ल्ड कप कहां होगा 2027 का? साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया। अब बताओ ICC में ODI वर्ल्ड कप 2031 कहां होगा? ICC में ODI वर्ल्ड कप 2031 जो होगा वो अपने होम टाउन में होगा, इंडिया में होगा, बांग्लादेश में होगा, इंडिया में होगा, बांग्लादेश में होगा, INDIA, इंडिया एंड बांग्ला, बांग्लादेश, इंडिया एंड बांग्लादेश में होगा, ठीक है। तो ये 5 इवेंट को एकदम अपने जीप पे रखना है, जीप पे, एकदम जीप पे होना चाहिए। क्रिकेट से क्वेश्चन बन जाता है, अगर अपकमिंग इवेंट से बना और छोड़ के गए, ठीक है, तो जानना कि सबसे बड़ा तुमने अपना नाक काटा है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है, इसमें ना पूछे RRB ALP में पूछे, RRB टेक्नीशियन में पूछे, RRB JEE में पूछे, RRB NTPC, RRB NTPC 10+2 किसी में भी रेलवे के एग्जाम में ये पूछेगा, मेरे यार पूछेगा ही पूछेगा। You have to learn this, you have to clear this, you have to crack this. Okay? अब आते हैं चैंपियंस ट्रॉफी जो होने वाला है, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा मतभेद चल रहे हैं कि हमारा जो इंडिया है वो क्या चैंपियंस ट्रॉफी खेलने वाला है, क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जाके खेलेगा, इसके ऊपर बहुत मुद्दा चल रहा है। हो सकता है इससे क्वेश्चन पूछ दे इस बार, हमें लगता है RRB ALP में ये क्वेश्चन डाल दे, RRB NTPC में ये डाल दे, RRB NTPC 10+2 में ये डाल दे, RRB JEE में एशिया कप से पूछ दे, किसी से भी पूछ के घुसाना है उसको। उसको तो तुमको देखो, परीक्षा तो सबको तैयार रहती है, छाटना है तुमको, हटा देना है तुमको वहां से, ठीक है। तो तुम क्या चीज छोड़ के जाओगे एकदम, ये चीज को तुम एग्जामिनर ये सोचा रहता है, ठीक है, इतना याद कर पाओगे? मगर वही लोग याद करेंगे जो लोग पागल होंगे, जो लोग पागल होंगे, जो चाहते होंगे कि यार मेरा अच्छी जगह हो, प्राइवेट के चक्कर में नहीं मर रहे होंगे, ठीक है, प्राइवेट में कर लेंगे, घुसो, देखो इज्जत है, इज्जत पद प्रतिष्ठा में है, ठीक है। और पद प्रतिष्ठा कैसे आती है, जब हम लगन मेहनत करके पद हासिल करते हैं, किसी पद पे हम बैठे होते हैं, उस जगह पे जब 4 लोग आते हैं आपको नमस्ते बोलते हैं, सलामी करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उस पद की, उस कुर्सी की, उसकी एक गरिमा है। पैसा तो सब लोग कमाते हैं, पैसा कमाना ही पड़ेगा। चैंपियंस ट्रॉफी ये कब होगा? 2025 में होगा। कहां होगा? नॉर्मल सी बात है, न्यूज में चल रहा है, पाकिस्तान में होगा, PAKISTAN, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होगा। दूसरा चैंपियंस ट्रॉफी 2029 में कहां होगा? ये हमारे ही देश में होगा, इंडिया में होगा, ठीक है। तो चैंपियंस ट्रॉफी याद रखेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होने वाला है पाकिस्तान में, चैंपियंस ट्रॉफी 2029 होने वाला है इंडिया में। अब आ जाते हैं कुछ वुमेन्स के बारे में भी पढ़ लें, वुमेन्स के बारे में पढ़ लें, यस कम ऑन, 9th ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप, 9th ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2024 कहां होने वाला है मेरे लाल? ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2024 होने वाला है यूनाइटेड अरब इमीरेट, UAE में होने वाला है। मैडम जी लोग खेलने वाली हैं 9th ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2024 यूनाइटेड अरब इमीरेट में, ठीक है। उसी तरह जब 9th ICC वुमेन हो जाएगा 2024 में, तो अगला कब होगा? 2026 में होगा 10th ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप, ये होगा तुम्हारा इंग्लैंड, अच्छे से लिखते हैं, इंग्लैंड में होगा, इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड में होगा। सही दिख रहा है कि नहीं मेरी स्पेलिंग, मेरी राइटिंग? ओके, इंग्लैंड समझ में आ रहा है। 10th ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2026 कब होगा? इंग्लैंड। 9th ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2024 कब होगा? यूनाइटेड अरब इमीरेट। अच्छा, ये तो हुआ T20 का,
वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप कब होगा? ये होगा 2025 में, आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप ओडीआई वाला, आईसीसी वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 में होगा, होने वाला है ये हमारे ही देश में, इंडिया में। देखो कितने इवेंट्स हमारी देश जो है वो हैंडल कर रही है इंडिया में, इंडिया में। ठीक है, ये जितने इवेंट्स इंडिया में हो रहे हैं इतने पैसे हमारे देश में आ रहे हैं, ठीक है, इतना कुछ, इतना पैसा धन इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, मगर तब पर भी जो हमारी सरकारें हैं वो वैकेंसी चुल्लू भर पानी इतना लेती हैं, उसी में हमें कूदना है, उसी में से मछली पकड़ के आना है, उस चुल्लू भर पानी में कूदना है। सोचो क्या क्या नए इवेंट्स हमारे इंडिया में हो रहे हैं, आईसीसी में ओडीआई वर्ल्ड कप 2031 होगा इंडिया बांग्लादेश में, अभी जो हुआ है वो इंडिया में ही हुआ, पूरा पूरा इंडिया में हुआ, कितना पैसा है, ठीक है, मगर हमें नौकरी देने में सरकार कितनी कंजूसी करती है, मगर पैसा देने में सरकार कितना बड़ा मुंह खोल के बैठी हुई है, ठीक है। तो हमें किसी भी तरह अपने आप को प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव आवर सेल्फ, कोई साथ नहीं देगा, नोबडी केयर्स अबाउट यू, नोबडी केयर्स, ओनली दे गेट जेलस विथ यू, वो आपसे सिर्फ जलेंगे ही, आपकी केयर करने वाले दो तीन दोस्त ही हैं, ठीक है, उनके भरोसे ही चलिए, दो तीन में भी एक ही ऐसा होगा जो हमेशा साथ, वो कर दोगे ना भाई ये दिक्कत, वो तुरंत तुम्हारे साथ है, ठीक है। तो वो चीजें हैं जिनको आपको सही कितना कष्ट देगा जब आप इसको याद करोगे। अभी क्रिकेट है, फुटबॉल होगा, ओलंपिक होगा, दुनिया भर का तमाशा होगा, इसे याद रखना होगा, 4 महीने तक इसे पचाना होगा, कितना कष्ट देगा ये आपको, ये चीज आप समझ भी रहे होंगे और समझ जाएंगे। अब हम आते हैं एशिया कप के बारे में पता कर लेते हैं, T20 एशिया कप। अभी एशिया कप हुआ था, कब हुआ था, पिछले साल हुआ था, पिछले साल हुआ था, कौन जीता था, इंडिया जीती थी, कौन जीता था, इंडिया जीती थी। T20 एशिया कप पिछला वाला कब हुआ था, 2023 में हुआ था, कौन जीता था, इंडिया। T20 एशिया कप 2025 कब होगा, T20 एशिया कप 2025 जो होगा मेरे लाल वो होगा इंडिया में, ये भी होगा इंडिया में T20 एशिया कप। देखो एशिया कप एक T20 होता है, एक ODI होता है, तो अब जो होगा वो T20 होगा एशिया कप 2025 में होगा और वो इंडिया में होगा, ठीक है, ओके। और ODI एशिया कप कब होगा, जब 2025 हो जाएगा तो उसके फिर 2 साल बाद 2027 में होगा ODI मैन एशिया कप 2027, ODI मैन एशिया कप 2027, ODI मैन एशिया कप 2027, ये होगा बांग्लादेश में, ये होगा बांग्लादेश में, ये होगा बांग्लादेश, ठीक है। तो ये रही अपकमिंग क्रिकेट स्पोर्ट्स इवेंट से पूरी जानकारी, ये बोर्ड पे एक क्वेश्चन छपा हुआ है, चाहे वो SSC MTS में आ जाए, चाहे वो RRB ALP में आ जाए, चाहे RRB टेक्नीशियन में आ जाए, चाहे RRB जूनियर इंजीनियर एग्जाम में आ जाए, चाहे RRB NTPC, चाहे RRB NTPC 10+2, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, एकदम करेक्ट ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, इसको पूरी तरीके से इसको नोट डाउन करो, इसको याद करो, और नहीं तो जब मेरे लेक्चर को एक दो बार सुनोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जब तुम सुनोगे ना तो चीजें याद हो जाएंगी, स्किप करके फाइनल चीज ले लोगे वो चीजें वैसे ही रह जाएंगी, स्क्रीनशॉट मेरे मोबाइल में पड़ा रह जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें याद करनी, ये हुआ क्रिकेट इवेंट से। अब हम इसके ऊपर बात करेंगे, फुटबॉल के ऊपर, हॉकी के ऊपर, ओलंपिक के ऊपर, धीरे धीरे चीजों को, करंट अफेयर को, टॉपिक को टेक्निकल पकड़ेंगे कि करंट अफेयर हमारा से ना छूट पाए, ठीक है। चलिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है, मैथमेटिक्स रीजनिंग को पूरी तरीके से पकड़ बनाए रखिए, ठीक है, मैथ रीजनिंग को कंसेप्ट क्लियर रखेंगे तो 30-40 क्वेश्चन कहीं गए होंगे, ठीक है, बाकी तो धीरे धीरे हम देखे जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।